आज के डिस्कशन का टॉपिक है फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग। फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आते तो हैं और उनको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस चैप्टर के बारे में आज हम पूरा ओवरव्यू पढ़ेंगे। तो जैसे ही फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग चैप्टर की बात आए, हमें दिमाग में एक अल्फ़ाबेट आना चाहिए, दैट इज़ ए। ए का मतलब यहाँ पे होता है एब्रेसिव। इसमें सब कुछ हम एब्रेसिव्स के बारे में पढ़ेंगे। और एब्रेसिव्स होते क्या हैं? जो बर के ऊपर जो रफनेस होती है वही एब्रेसिव्स होते हैं। तो बेसिकली ये एक हार्ड मटेरियल होते हैं जो कि मेटल के बने होते हैं और अपने से सॉफ्ट मटेरियल को कट करते हैं, इरोड करते हैं, कोरोड करते हैं, पॉलिश करते हैं, ग्राइंड करते हैं। तो ये काम हो गया एब्रेसिव्स का। ये भी पता चल गया ये होते कैसे हैं, मतलब क्या होते हैं बेसिकली। और इनकी कलर कोडिंग के हिसाब से बर के ऊपर जब आप अच्छी क्वालिटी की बर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कलर कोडिंग होती है, तो उसी के हिसाब से इनकी पार्टिकल साइज पता चलता है। ठीक है, तो वो कलर कोडिंग W से शुरू होती है। तो फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग चैप्टर के बारे में हम ए याद रखेंगे, दैट इज़ एब्रेसिव। उसके बाद हम उनकी कलर कोडिंग याद रखेंगे। कलर कोडिंग हमारी W से शुरू होती है, यानी कि वाइट से शुरू होती है। दिमाग को साफ और सफ़ेद रखना चाहिए। तो वाइट से शुरू होती है, उसके बाद येलो, ये भी नीचे का ही अल्फ़ाबेट है, देन रेड, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन ब्लैक। यानी कि वाइट से शुरू होता है और ब्लैक पे ख़त्म होता है और बाकी ये सब बीच के होते हैं। तो ये होता है अल्ट्रा फाइन, दिस इज़ वेरी फाइन, या फिर एक्स्ट्रा फाइन, दिस इज़ मिडल, क्योंकि ये बीच में आ रहा है, नहीं, दिस इज़ अल्ट्रा फाइन, दिस इज़ वेरी फाइन, या फिर एक्स्ट्रा फाइन, दिस इज़ फाइन, ये मिडल में आता है, ये कोर्स और ये एक्स्ट्रा कोर्स। ये इनकी कलर कोडिंग के हिसाब से बाकी पार्टिकल साइज होते हैं। ये क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। रेड वाले पे बर एक बनी हुई थी और यहाँ पे रेड मार्क बना हुआ था और ये पूछा गया था कि ये किस पार्टिकल साइज का है, तो ऑब्वियसली ये फाइन में आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इनके पार्टिकल साइज का साइज कितना होता है? तो ये 15 से शुरू होता है, 30, उसके बाद 50, उसके बाद 70 से 130, ये आता है 180 और ये आता है 160। इसे अगर आप 4-5 बार पढ़ेंगे तो इसी तरीके से याद हो जाएगा। अब दूसरी बात आते हैं, एक टर्मिनोलॉजी आती है एब्रेसिव्स के बाद, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। तो दो टर्मिनोलॉजी, पहली तो एब्रेसिव्स के बारे में ही हमें यहाँ पे सारा पढ़ना है। पहले हमने कलर कोडिंग पढ़ी, उसके बाद दोबारा हम पढ़ रहे हैं कि बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड क्या होते हैं। तो जो बॉन्डेड होते हैं, मतलब कि इनका एक कोई टूल बन गया, जैसे कि व्हील बन गया, स्ट्रिप बन गया एब्रेसिव मटीरियल्स का, उसके बाद उसे हम हैंड पीस में लगाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड बॉन्डेड एब्रेसिव। किसी टूल को बनाने के बाद, जैसे कि जो स्ट्रिप्स होती है उसे प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग में काम आता है। प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग यानी कि दांतों को किनारे किनारे से काटा जाता है, प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग में ज़रूरत पड़ती है, जब हमें स्पेस की ज़रूरत होती है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में, तब प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग की ज़रूरत होती है। तो ये होते हैं वो जो व्हील, यानी कि वो जो नए इंस्ट्रूमेंट बन गए वो बॉन्डेड में आ गए। और जो नॉन बॉन्डेड में आते हैं, यानी कि वो होते हैं पाउडर फॉर्म में या किसी क्लोथ के फॉर्म में, तो वो होते हैं प्यूमिस हो गया, या कोई और पाउडर हो गया, या टूथपेस्ट हो गया। एक और आता है फेल्ट, एक आता है, एक होता है कैनियोस क्लोथ होता है। ये सब पता होना चाहिए, इस पर कभी भी क्वेश्चन पूछ लेते। कैमोइस एक क्लोथ होता है जो कि नॉन बॉन्डेड। ये टर्म्स जब आ जाते हैं एग्जाम में तो समझ में नहीं आता है इसका आंसर क्या होगा, हम तुक्का लगाना शुरू करते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर इनके बारे में पता होगा ना, तो एटलीस्ट हम आंसर कर सकते हैं इस 2-3 क्वेश्चन के जो एकदम से हटके कभी कभी आ जाते हैं। और प्यूमिस हो गया, टूथपेस्ट हो गया, तो ये बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड में डिफरेंस हो गया। मतलब कि बॉन्डेड वही जो टूल होते हैं और ये जो पाउडर फॉर्म में होते हैं या क्लोथ होते हैं जिसे हम पॉलिश करते हैं। तो ये हो गए इनके डिफरेंस बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड में। तो एब्रेसिव में हमने कलर कोडिंग पढ़ी, उसके बाद बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड हमने पढ़ा,
उसके बाद ये होता है कि ये किस तरीके के होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ सिंथेटिक भी होते हैं, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा नेचुरल नहीं है एक्सेप्ट करने के एक्सेप्ट, और ये होते हैं मैन्युफैक्चर्ड, सॉरी ये होते हैं मैन्युफैक्चर्ड। तो इसमें निमोनिक है, नेचुरल में भी हम ए से याद रखेंगे, ए सी सी देन डी, सी को मिस बी मिस हुआ, डी के बाद ई, ई के बाद जी, एफ मिस है, जी के बाद जी के बाद पी, देन क्यू, आर नहीं है, एस, देन टी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, यस ये दस हैं पूरे। ठीक, तो ये होता है अर्कनसास स्टोन, चौक, कोरंडम, डायमंड, एमरल, गार्नेट, देन प्यूमिस, क्वार्ट्ज एंड एस फॉर सैंड, ये नेचुरल है इसलिए, एंड ट्राइपोली, ये आप तीन चार बार पढ़ेंगे तो इसी तरीके से याद हो जाएगा, मैंने इसी तरीके से याद किया है। और टी से यहाँ पे ख़त्म है, तो यहाँ पे टी से शुरू है, टी के बाद आर है इसमें, यहाँ पे आर नहीं था, देन एस और ए पे यहाँ ख़त्म है, तो ये ए पे टर्मिनेट होते हैं, यहाँ पे हैं दस और यहाँ पे हैं पाँच। इस तरीके से नोट्स बनाएंगे और उनको तीन चार बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा, और बीच बीच में नोट तो रिवाइज करने ही है। तो टी से टिन ऑक्साइड है, रॉग है, सिंथेटिक डायमंड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, एंड ए से एल्युमिनियम ऑक्साइड है। ये हो गए नॉन बॉन्डेड में, एक बहुत डायमंड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, इस पर भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि ये सब बेस्ट एग्जांपल्स हैं। तो ये चीज़ें हो गई फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग में। पहले हमने एब्रेसिव देखा, तो एब्रेसिव क्या होते हैं, उनके पार्टिकल साइज के हिसाब से उनकी कलर कोडिंग देखी, वो बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड होते हैं, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। ये एब्रेसिव्स वही होते हैं जो कि बर के ऊपर लगे होते हैं, या फिनिशिंग पॉलिशिंग बर जो होती है उनके ऊपर पार्टिकल साइज लगे होते हैं, बेसिकली ये वही एब्रेसिव्स होते हैं, कुछ खास बात नहीं है। ये एब्रेसिव के बारे में हो गया। उसके बाद इसमें हम देखेंगे थोड़ी सी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो भी हमें याद रखनी है। तो अब कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पहला एक क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रूइंग क्या होती है। ट्रूइंग का मतलब है, ट्रूइंग किसी भी एब्रेसिव को इस्तेमाल करने से पहले ट्रीटमेंट किया जाता है उसका, किसी भी हार्ड मटेरियल पे। तो एब्रेसिव का मतलब है वो एब्रेसिव बर पे लगा है, हम बर को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन कहाँ एब्रेसिव जाएगा, है ना, क्योंकि डायरेक्टली हम कर तो उसी पार्टिकल को प्रिपेयर कर रहे हैं किसी काम के लिए। तो एब्रेसिव को किसी हार्ड मटेरियल पे चलाया जाता है, रोटेट किया जाता है, जिससे कि जब हम पॉलिश करें तो वो एक्सेंट्रिक मूवमेंट ना करे। एक्सेंट्रिक का मूवमेंट का मतलब है कि सेंटर से हट के कोई मूवमेंट ना करे, वो उसी जगह पे काम करे जहाँ पे उसे करना है, एक्सेंट्रिकली काम ना करे। तो दैट इज़ कॉल्ड ड्रॉइंग, कि हम एब्रेसिव को प्रिपेयर करते हैं ग्राइंड, पॉलिश या कट करने से पहले। ठीक है, एक बात, इसमें पांच टर्मिनोलॉजीज हैं। दूसरी आता है, एक कोई प्रोसीजर है, एंड दैट इज ड्रेसिंग प्रोसीजर। हाँ, एक अब ड्रेसिंग प्रोसीजर क्या है, ड्रेसिंग प्रोसीजर का मतलब होता है कि जब हम केरीज हटाते हैं बर से, तो एब्रेसिव के ऊपर केरीज लग जाती है, उसको क्लीन करते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रेसिंग प्रोसीजर। क्लीन करने से पहले और बाद की पिक्चर इसमें बुक में बनी हुई है, तो उसे ड्रेसिंग प्रोसीजर कहते हैं। अब ड्रेसिंग प्रोसीजर तो हो गया, यानी कि बर क्लीन हो गई, ठीक है, एब्रेसिव पार्टी एब्रेसिव्स क्लीन हो गए, उस पर कोई भी क्लॉगिंग नहीं है किसी भी डिब्रीज की। अब वो क्लॉग्ड डिब्रीज को क्या कहते हैं, दैट इज ब्लाइंडिंग। जब एब्रेसिव पे वो क्लॉग्ड डिब्रीज लग जाती हैं, उसे ब्लाइंडिंग कहते हैं, वो काम करना बंद कर देती, अंधी हो जाती है। चौथा क्वेश्चन है, बी ब्ली लेयर, तो पॉलिश करने के बाद किसी मेटल सरफेस पे जो एक लेयर बन जाती है, दैट इज कॉल्ड बी ब्ली लेयर। और पांचवा है, एयर एब्रेसिव टेक्निक। एयर एब्रेसिव टेक्निक में हवा, पानी और सोडियम बाइकार्बोनेट मिला के स्प्रे कर देते हैं, जिससे कि स्टेन्स बहुत अच्छे से निकल जाते हैं,
और अगर सुपरफिशियल प्लाक भी है थोड़ा सा तो वो भी बहुत अच्छे से निकल जाता है, दांत एकदम चमक जाते हैं। स्केलिंग के बाद इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। तो ये 5 टर्मिनोलॉजीज हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं ये सारे आपको नोट बनाने, किसी का कोई भी वीडियो देखने के बाद बुक ज़रूर पढ़नी है। ऐसे अगर आप बुक पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जब किसी का वीडियो देखने के बाद या मेरा वीडियो देखने के बाद जब आप बुक पढ़ेंगे तो चीज़ें समझती आएंगी, चीज़ें समझ में आती रहेंगी। इसीलिए वीडियो देखिए, बुक पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए और ऑब्वियसली उन्हें रिवाइज भी करिए, ठीक है। अब आ जाते हैं कि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं जो कि बुक में नहीं होते हैं या होते हैं और उन्हें हम अलग से लिखना पड़ता है। तो एमलगम पॉलिशिंग पे आता है। एमलगम पॉलिशिंग हमें कब करनी चाहिए? 24 घंटे के बाद करनी चाहिए। किससे करनी चाहिए? जिंक ऑक्साइड प्लस एल्कोहल से करनी चाहिए। ये बुक में नहीं क्वेश्चन, मतलब ये बुक में नहीं लिखा है किससे करनी चाहिए, जिंक ऑक्साइड और एल्कोहल से करनी चाहिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि डायमंड बर कितने पे यूज़ करनी चाहिए? तो 50,000 से नीचे RPM पे, लेस देन 50,000 RPM इस्तेमाल करनी चाहिए। और कुछ छूटा मेरे ख्याल से तो नहीं छूटा है। हाँ, दैट्स ऑल। हाँ, दो चीज़ें और छूटी हैं कि ऑब्वियसली मोर फ्लूड्स होंगे तो स्मूथ सरफेस देगा ना। मोर फ्लूड्स कहाँ पे फ्लूड्स होंगे? जब बर में यानी कि एब्रेसिव पार्टिकल्स पे ज़्यादा फ्लूड्स होंगे तो ऑब्वियसली स्मूथ सरफेस देगा वाइल ग्राइंडिंग एंड कटिंग। ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि जब हम ग्राइंड करते हैं टूथ को या कट करते हैं तो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, और जब हम पॉलिश करते हैं तो मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ये सारे पॉइंट्स ये लिख लीजिएगा, ये पॉइंट्स अपने नोट्स में। इस पर कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है पर एक्सेप्ट करके स्टेटमेंट वो बहुत देते हैं, तो स्टेटमेंट्स भी हमें अपनी कॉपी पे लिख लेने हैं कि ये स्टेटमेंट इसका है, ये स्टेटमेंट इसका है, जिससे कि एग्जाम में आ जाए तो हड़बड़ाहट ना हो और हमें तुक्के लगाने की जरूरत ना पड़े। तो दैट्स ऑल अबाउट फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग चैप्टर। होप इट्स क्लियर। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू बूस्ट योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।